अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए है दिवाली बम्पर ऑफर। अब केवल 5,000 रूपए के डाउन पेमेंट में पाइए सुजुकी एवनेस, टीवीएस जुपिटर, हीरो जूम, बजाज सिटी 100, हीरो एचएफ डीलक्स। साथ ही आपको मिलेगा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इजी फाइनेंस, स्पॉट अप्रूवल और स्पॉट डिलीवरी। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए एट शॉप नंबर 1 गिरिराज कॉम्प्लेक्स, जैन कॉलोनी, अपोजिट एससी स्टैंड, भिवंडी। दूसरी ब्रांच बाइकर्स पॉइंट, नियर एक्सिस बैंक एटीएम, दरगाह रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान, दवाई यूनिवर्सिटी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी डीसीपी ऑफिस में। मैं आपको बता दूं कि भिवंडी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि चैन स्नेचर थे, लोगों के गले से सोने की चैन खींच के भागते थे, मंगलसूत्र खींच के भागते थे। और इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में हैरान करने की बात यह है कि इनके पास से 28 तोला सोना बरामद हुआ है और 28 तोले सोने की जो कीमत है वो 15 से 16 लाख रुपए बताई जा रही है। यहाँ पे उन लोगों के ऊपर 19 गुना दाखिल थे और इन 19 गुनाहों की कबूली पुलिस ने उनसे करवाई है। ये सारा जो प्रकरण है टाउन पुलिस स्टेशन में हुआ है और टाउन पुलिस स्टेशन में आज भिवंडी जोन 2 के डीसीपी नवनाथ धवले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। क्या है सारा मामला, आइए देखते हैं। भिवंडी शहर की पद्मानगर और वराल देवी जो एरिया है उस एरिया में इस साल में 4 से 5 चेन स्नैचिंग के घटनाएं हुई थी। उसी के तहत ये घटनाएं होने के बाद वहां पे हमने गश्त जो है वो नाकाबंदी और पुलिस गश्त बढ़ाई थी और उसी के अनुसार 31 तारीख को जब हमारी एंटी स्नैचिंग टीम जो है उसमें PSI रविंद्र पाटिल, PSI कोलते और उनकी टीम वहाँ पे पेट्रोलिंग करते समय उनको एक संशयित गाड़ी नज़र आई। उन्होंने जो गाड़ी पे हमारे दो अमलदार थे गाविता और हरने, उन्होंने वो गाड़ी का पाटला किया। पाटला करने के बाद भी वो गाड़ी रुकी नहीं, इसलिए स्पीड से फिर कॉर्नर से वो जा रही थी। तभी हमारे लोगों ने, हमारे जो अमलदार थे हरने और गावित ने, वो गाड़ी को रोका। तो गाड़ी को रोकने के बाद वो गिर गए और उनको पकड़ने की कोशिश की तो वो जो सामने वाले जो आरोपी थे उन्होंने, उनके पास चिली स्प्रे था, वो चिली स्प्रे हमारे अमलदार के ऊपर उनका स्प्रे किया। फिर भी हमारे अमलदार जो थे उन्होंने जान की बाजी लगाकर वो 2 आरोपियों को पकड़ा है। वो पकड़ने के बाद उनको पुलिस स्टेशन में लाने के बाद उनको डिटेल में इंट्रोगेशन किया गया और डिटेल इंट्रोगेशन में उन्होंने अब तक जो 9 गुने हैं चेन स्नैचिंग के उनकी कबूली दी है, जिसमें से अब तक 28 तोला सोना जिनकी नगद वैल्यू अराउंड 15 लाख रुपए है वो सोना जब्त किया गया है। और इनका जो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी हमने चेक किया, जिसमें जो 2 आरोपी है, एक आरोपी जो है सोनू पाल, उनके खिलाफ 19 गुने मोटरसाइकिल चोरी के दाखिल है अलग अलग पुलिस स्टेशन में, और दूसरा जो आरोपी है उनके खिलाफ भी दरोड़ा या NDPS के या मोटरसाइकिल थेफ्ट के गुने दाखिल है। इन चोरों का उद्देश्य क्या रहता था चोरी के पीछे? मतलब अब तक तो मतलब इंट्रोगेशन करने के बाद अभी ये सामने आया है कि ये जो चोरी करते थे वो अपने मौज मजे के लिए ही करते थे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड भी वैसा ही है, प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सर, ये जितना 28 तोला सोना ये इनके पास बरामद हुआ कि किसी सोनार की दुकान से बरामद हुआ? ये मतलब जो सोना है वो एक सामने वाला एक आदमी था उनको देते थे और वो सोनार को बेचता था। वो जो तीसरा जो आरोपी है जो इसमें सोना लेता था उनसे, उनको भी आरोपी किया गया है। अब तक इस गुने में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और आगे की भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। सर, ये कितने सालों से लिप्त थे चोरी के मामले में? कितने सालों से लिप्त है ये चोरी के मामले में? ये जो उनके खिलाफ 19 गुने दाखिल है, अराउंड 2010 से उनके खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी के गुने हिल लाइन पुलिस स्टेशन, उल्लासनगर, मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन, कल्याण, पूरे थाना आयुक्तालय में उनके खिलाफ गुने दाखिल है। सर, ये कोई गैंग है ऐसा आपको लगता है? नहीं, अभी तक तो मतलब वो सामने नहीं आया है, आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। न्यायालय में पेश किया गया?
उनको न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस माननीय न्यायालय ने उनको 4 दिन की पुलिस कस्टडी दी है।